कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता। 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बूंद बूंद मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है। और ये भी बता दूं कि हमारे देश में खाना बर्बाद नहीं किया जाता। अगर वही देश किसानों को बर्बाद होता देखता रहे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है, अन्नदाता सुखी भवतु। ये अन्नदाता है कौन? खाना पकाने वाला या परोसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है। और ये खेती जैसा उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। सेल फोन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़ों पति हैं, लेकिन अन्न उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी कड़ी मेहनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। फैक्ट्रीज लगाना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों को बर्बाद करके फैक्ट्रीज लगाना गलत।